सो हेलो अमरुख भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि जो मल्टीपल अकाउंट बैन हो रहे हैं उसका रीज़न क्या है, क्या हम इसे सही कर सकते हैं या फिर नहीं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप कहीं भी अगर स्किप कर देंगे तो आप जानते हैं आप क्या मिस कर देंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई सवाल है, आपकी कोई हेल्प है तो वहाँ पे आप उससे पूछ सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मल्टीपल अकाउंट का जो बैन ऑप्शन यानी कि बैन जो बताता है वो क्यों बताता है। देखिए होता अक्सर ये है कि हम अपनी डिवाइस में यानी कि एक डिवाइस में कई सारे अकाउंट बना लेते हैं और कैंडीज और पॉइंट्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए मल्टीपल अकाउंट्स बना लेते हैं और हर एक अकाउंट से रूम में या कोई भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें कैंडीज़ ज़्यादा मिलती हैं, हमें कॉइन्स ज़्यादा मिलते हैं, हमें जो गिफ्ट्स हैं पेड गिफ्ट्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो लोग ये जो एक्टिविटी है इनवैलिड एक्टिविटी ये कर रहे थे, इसको देखते हुए स्टार मेकर ने एक ही बंदा ये अलाउ कर दिया था कि एक बंदा अपनी एक ही ओरिजिनल आईडी से एंटर कर सकता है रूम में। अदरवाइज़ उनको सबको यही शो होगा, जो लोग ये अकाउंट यानी कि डबल एक से ज़्यादा अकाउंट अपने डिवाइस में चला रहे हैं उनको यही शो होगा कि मल्टीपल अकाउंट आर बैन, यही शो होगा। वो इसे सही नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्टार मेकर को मेल करें या फिर कुछ भी करें। इसका एक ही मात्र सोल्यूशन है, अगर आपको मैं बताऊं तो इसका यही है कि या तो आप अपना डिवाइस चेंज करें। तो आप स्टार मेकर एप्लीकेशन के लिए अपना डिवाइस क्यों चेंज करेंगे? जाहिर सी बात है आप नहीं रूम पे ज्वाइन हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, क्योंकि अब अर्निंग तो बंद ही हो गई है, हो ही नहीं रही है। जिनको सिंगिंग से रिलेटेड कोई भी मतलब सिंगिंग से ही मतलब है वही केवल गाना गा सकते हैं, जिनको अर्निंग से मतलब था वो तो जाए, वो कुछ भी करें, वो अर्निंग अब नहीं होने वाली है, ना ही कोई भी विड्रॉ हो रहा है। तो ये इसे सही आप या तो फ़ोन डिवाइस करके सही कर सकते हैं, यानी अपना फ़ोन डिवाइस बदल दें, या फिर आप अपना डिवाइस जो है उसे अपडेट करें, अपडेट करवाएं शॉप पे जाके, उसमें कोई नया जो फर्मवेयर है डलवाएं, ताकि उसकी यानी कि जो उस फर्मवेयर की जो इन्फॉर्मेशन थी स्टार मेकर के पास वो चली जाए। क्योंकि होता ये है, देखिए मैं आपको बता दूं कि स्टार मेकर आपकी जो डिवाइस है उसको कनेक्ट कर लेती है, उसके सारा डाटा जो है वो रीड कर लेती है, और क्योंकि एक्सेस उसके पास होती है आपके डिवाइस की, तो वो जो आईपी एड्रेस है वो लिख लेती है, यानी कि जो फर्मवेयर का आईपी एड्रेस है वो लिख लेती है, ताकि उस फर्मवेयर से जो भी डाटा उसमें होता है वो सारा सारा कलेक्ट कर लेती है। तो होता यह है कि आप जब जाके शॉप पे नया वर्जन का जो फर्मवेयर डलवा देंगे, रिन्यूअल करवा देंगे, तो उसका डाटा उनके पास नहीं होगा, तो वो आपके जो जो रूम वगैरह हैं इनको सबको ओपन कर देंगे, क्योंकि जब उनके पास एक्सेस ही नहीं होगा न्यू आईडी, यानी कि वो न्यू आईडी समझेंगे उसे। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि या तो आप अपने डिवाइस को जो है हार्ड रीसेट करें, यानी कि अपने डिवाइस को आप फॉर्मेट करें उसके बाद अपना अकाउंट बनाएं। तो दोस्तों ये आप मैं बता दूं कि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, आप अपडेट करवा सकते हैं, उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, जा भी सकता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका फॉर्मेट करेंगे तो आपको बहुत कुछ जा सकता है। तो सिंपली आप सिंगिंग पे ध्यान दीजिए, इनमें समय गाने से कुछ भी नहीं होता, कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिनको होता था पहले होता था, लेकिन अब जब इनवैलिड एक्टिविटी ज़्यादा होने लगी तो इसको स्टार मेकर ने बंद कर दिया। तो ये सही भी है, क्योंकि इनवैलिड एक्टिविटी ज़्यादा होंगी तो जो लोगों के गिफ्ट्स यानी कि जो जेन्युइन तरीके से गा रहे हैं, जो सही तरीके से गा रहे हैं, उनको भी गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसे आप सही अगर करना चाहें तो इन्हीं तरीके हैं, या तो आप डिवाइस बदलें, या फिर अपना जो डिवाइस है उसे अपडेट करवाएं सॉफ्टवेयर के ज़रिए, फर्मवेयर के ज़रिए, या फिर अपना हार्ड उसको जो मोबाइल है उसको हार्ड रिसेट करें। तो ऐसा आप कुछ ही मायने में करेंगे। इसका एक सोल्यूशन और है कि आप अपनी स्टार मेकर आईडी को किसी ऐसे फ़ोन में लॉगिन कर दीजिए जिसमें आप कोई भी पर्सनल डाटा ना रखते हो, केवल स्टार मेकर यूज़ करते हो। तो ये तो या तो ये आप कर सकते हैं, और आपको सही लगे तो आप बिल्कुल करिए, अदरवाइज़ आप ना करिए, आप केवल सिंगिंग पर ध्यान दीजिए, अपना सिंगिंग करिए, बाकी आप इन सब रूम वगैरह के चक्कर में ना पड़े, इनसे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई। आऊँगा अगली नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।